हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल है आप सबका और आपका मेरे चैनल हाउस वाइफ क्रिएटिविटी राज सीमा के ऊपर वेलकम है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट राज सीमा। कैसे हैं आप सब लोग? अगर कोई मेरा दोस्त आज फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। सो दोस्तों, हाउसवाइफ की जो लाइफ है सुबह शुरू हो जाती है और रात बेड पर आने तक सारा दिन चलो चलाई का काम जो है लगा रहता है। और यहाँ आज के इस ब्लॉग में मैं डिफरेंट शेड्स जो है लाइफ के वो थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, उम्मीद करूंगी आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दीदी हैं, दोनों देवरानी जेठानी आई हुई हैं अपनी फ्रेंड के घर। जो मैंने 4 दिन पहले एक मैंने ब्लॉग डाला था कि अपनी फ्रेंड को मिलने आए थे, वहाँ पर उनके बेटे की है शादी। तो आज का जो दिन है, सुबह उन्होंने घर में रखा हुआ था सत्संग और फिर आज रात को होगा वहाँ पर लेडीज़ संगीत। तो दोस्तों, वहाँ रात को फंक्शन अटेंड करने के बाद अभी ये लोग आ गए हैं, सॉरी रात को नहीं, दिन में सुबह जो 11 बजे के बाद वहाँ सत्संग थी और उसके बाद वो फंक्शन था, तो वो अटेंड करने के बाद अब आ गए हैं इवनिंग में दोनों लोग बाड़ी में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दीदी ने वहाँ पर बना लिया है अपना नया गेट और ईंटें वगैरह जो है ऐसे पड़ी हुई हैं, तो ये सारा ऐसे बिखरी हुई हैं और कोई ना कोई आकर के उठा के ले जा सकता है। और दीदी यहाँ पर लगी हुई है सेट करने। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूँ, ऐसी जो चीज़ें संभालने वाली जो होती हैं, बिखरी हुई होंगी, वो एक हाउस वाइफ ही अच्छे से देख पाती है। बच्चे होंगे वो ऐसे देख करके आगे निकल जाएंगे, लड़के भी होंगे, घर वाले जो बाकी मेंबर भी हैं वो बाड़ी में आते हैं लेकिन ये देख करके अनदेखा करके चले गए हैं। लेकिन जब दीदी बाड़ी में आई तो उन्होंने पहला काम ये रास्ते में जो उनकी ईंटें हैं उनको इकट्ठा किया है, ताकि पहला तो ये कि किसी के चोट चाट ना लगे अगर कोई रात के समय इस रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि यही एक जो फुटपाथ है यहाँ से ये लोग आते हैं। तो दीदी यहाँ इसको सेटिंग कर रही है, सॉरी दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये सारे काम जो छोटे छोटे काम हैं, अगेन ये गिनती में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दीदी ये सेटिंग कर रही है और हाउसवाइफ की जो लाइफ है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है, जो रूटीन है, और सारा दिन ये काम लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी जो ईंटें थी वो दीदी ने इकट्ठी कर दी हैं, क्योंकि ये दोनों देवरानी जेठानी बाड़ी में आई हुई हैं और एक वीडियो बना सकती है, दूसरी काम कर सकती है, तो इसलिए दीदी जो है ये कर रही हैं। और दीदी के जो घुटनों में दर्द भी है ये भी आप सबको मालूम है, बट काम तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दीदी का जो लेडीज़ संगीत का वहाँ प्रोग्राम होने वाला है, मैंने वहाँ का वीडियो क्लिप बना लेंगे। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपने पंजाबी गिद्दा, पंजाबी जो फोक डांस देखना चाहते हैं दीदी देवरानी जेठानी का, तो मैं उसका वीडियो क्लिप ज़रूर जो ब्लॉग है उसका तैयार कर दूँगी अगर आप कॉमेंट करते हो तो। सो दोस्तों, यहाँ देखिए अभी बहुत सारी ईंटें जो हैं गिरी हुई हैं, इनको सेट करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, कमर दुख जाती है। और अभी दीदी बोल रही हैं अब तो मेरी कमर जो गई, बट रेस्ट करके वो लग जाएंगी इसको करने, क्योंकि काम ईंटें अपनी है, पैसा खर्च हुआ है, बच्चे नहीं समझेंगे इस चीज़ को, तो जो पैसे कमाते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। तो यहाँ पर ईंटें संभाल करके आगे चल दिए हैं, तो आगे चल करके अभी देखिए ये वाला गेट जो है इन्होंने नया गेट बनाया था, तो यहाँ पर दीदी बोल रही है कि देखो वहाँ भी ईंटें संभाली हैं और यहाँ पर भी
छोटे छोटे जो रोड़े पड़े हैं, जो कारपेंटर मैसन ने जो काम किया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं उठाया है, वहीं का वहीं पड़ा रहने दिया है। तो दीदी को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी बिखरी हुई जो हैं वो पसंद नहीं आती हैं। अगेन शरीर की हेल्दी हैं बट काम बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि काम करेगा कौन, घर तो इन्हीं को ही देखना है। तो यहाँ पर कुछ ईंटें हैं जो दीवार के ऊपर चिन रही हैं, और साथ में देखिए संतरे का पेड़। संतरे अभी जो हैं येलोश मतलब थोड़े थोड़े येलो हो रहे हैं, और दिसंबर आने तक ये अच्छे से पक जाएंगे, और शायद ये किन्नू संतरा है। और इन्होंने अपने जो बाड़ी में संतरा, अमरूद और बाकी जो किचन गार्डनिंग तो कर ही रखी है, तो ये दो जो पौधे हैं, पेड़ हैं, ये इन्होंने फ्रूट वाले जो पेड़ हैं लगा रखे हैं। तो काफ़ी पौधे हैं, आई थिंक 3-4 पौधे लगा रखे हैं इन्होंने इसके। तो यहाँ से ईंटें उठा ली गई हैं और अब ये जाएंगे बाड़ी के अंदर। तो बहुत सारे अंदर भी यही काम। सो अभी गेट का जो ताला खोल रहे हैं और अंदर भी लगभग ऐसा ही काम होने वाला है। आप वीडियो के साथ बने रहें। तो अब आ गए हैं अंदर और आप देख सकते हैं कि ईंटें लकड़ियाँ सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं। जो गेट लकड़ी वाला जो निकाला था वो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो सच में मुझे दीदी के ऊपर तरस भी आ रहा है कि घर के मेंबर्स को ये दिखाई क्यों नहीं दिया कि अगर गेट नया वाला लग गया है तो पुराने वाला गेट उठा करके कहीं और रख दें, दीदी का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बट दोस्तों कोई ऐसा काम नहीं करता है। ये बाहर की जो ईंटें हैं वो अंदर रख रही हैं, जो अभी उन्होंने बाहर से उधर रखी थी। और आप देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी जो है सीधी पड़ रही है, उसकी किरणें आप देख सकते हैं। तो वीडियो में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रही है, आप थोड़ा सा बियर कीजिएगा मेरे साथ। तो यहाँ देखिए संतरे, इसको देख करके मेरा खाने का मन हो रहा है दोस्तों। बहुत ही बड़े बड़े से बड़े बड़े साइज़ के संतरे हैं। तो दीदी बस यही दिखा रही है कि देखो यहाँ पर ऐसे है। तो सोच रही है कि कहाँ से स्टार्ट करे ये काम, कहाँ से क्या चीज़ उठाए। यहाँ पर ईंटें ही उठा करके इधर की अभी वो यहाँ सेट कर देंगी। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना काम होता है एक हाउसवाइफ के लिए, कितना काम है। देखिए ये देखने में तो यही लग रही है कि 2-4 ईंटें रखी हैं, ईंटों को उठाना, हर बार बेंड होना, उठाना, और ऊपर से वो थोड़ी हेल्दी भी हैं, घुटने में उनको दर्द भी होता है, फिर भी वो काम कर रही हैं। सो दोस्तों आपको ये आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ।